दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, इस स्टॉक को लेकर आपको पिछले 15 दिन से दोस्तों बाई के लिए यहाँ पे बताया गया कि भाई मोमेंटम बनने वाला है, डेफिनेटली यहाँ से रॉकेट बनेगा एंड जब भागेगा तब आपको बाई करने का मौका ही नहीं देगा। एंड आज अगर आप देखोगे तो लास्ट मोमेंट में यहाँ पे हमें बड़ी रैली देखने को मिली है, अब यहाँ से किधर जाएगा? देखो, ये मेरा आज का दूसरा वीडियो एंड यहाँ से इस वीडियो में अपन देखेंगे क्या यहाँ से दोस्तों 300 रुपए के ऊपर निकलेगा एंड कल का व्यू क्या रहेगा। क्या यहाँ से दोस्तों हमें भी टाइम बाइंग करनी चाहिए? प्रॉफिट का लेवल कौन सा बनेगा? क्या फिर से यहाँ पे 200 रुपए के नीचे आ सकता है? सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखो भाई, मेन पॉइंट की अभी के टाइम तेजी क्यों आई? तेजी आने के पीछे वजह है कि देखो, एक तो यहाँ के आईसीआईसी के जो यहाँ पे डायरेक्टर है उन्होंने भरोसा दिलाया, उनका भरोसा आया, उसके बाद हमें स्टॉक में जबरदस्त आगे एकदम से खरीदारी देखने को मिली। एंड ये तो एक बहाना है। देखो, मैं एक चीज आपको समझा दूं, पहले भी कई सारी पॉजिटिव अपडेट आ चुकी है, स्टॉक नहीं भागा, ठीक है? बट अभी के टाइम अगर आप देखोगे, देखिए दोस्तों, जब भी किसी शेयर को लेकर बड़े बड़े टारगेट आते हैं ब्रोकरेज से, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होता है। हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पे कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए थे। अब यहाँ पे सोचो किस प्राइस पे वो शेयर जारी होंगे। वो प्राइस दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, देखो अभी के टाइम मेन चीज समझना है मोमेंटम, बजट, ठीक है? सबसे रीड की हड्डी है बजट। अगर बजट में देखो, अब आप कई भाई बोल रहे हैं कि टाइम अगर बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ तो स्टॉक यहाँ पे गिर जाएगा। देखो, ऐसा होगा ही नहीं। बजट में डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ होगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की जो प्लान है भाई रिन्यूएबल एनर्जी, आप सोचो थोड़ा, देश को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इस सेक्टर पे तो गवर्नमेंट को फोकस करना ही पड़ेगा। रेलवे हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का डिफेंस हो गया, आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इन पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। एंड ये चारों सेक्टर तो ऐसे है जो बजट के आसपास आपको बढ़िया रिटर्न देखे जा सकते हैं, बढ़िया तेजी में बनती हुई नजर आएगी। एंड वही टाइम आप देखोगे इरेडा के अंदर अचानक उछाल आया, देख सकते हैं यहाँ पे दिन भर यहाँ पे गिरावट में था, अचानक एक मोमेंट में मैं तो 6-7 फीसदी के साथ यहाँ पे उछलता हुआ देखने को मिला। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है बायर। मेन पॉइंट बहाना ये कि आईसीआईसी को जो डायरेक्टर है उन्होंने भरोसा दिया एंड बड़ा प्लेयर यही चाहता कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आए, इसमें खरीदारी के लिए इसको ऊपर भगाए। जहां पे लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ उसके बाद सेलिंग नहीं आई, वहां पे आपको समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, क्योंकि अगर बड़ा प्लेयर सेल नहीं कर रहा है तो वो डेफिनेटली ऊपर लेके जाने वाला है। ये चीज मैंने आपको पहले ही कवर करके बता दी थी। अब यहाँ पे जब लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ था, स्टॉक 160-165 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब सोचो वहां से कितना बढ़ चुका है, अभी और कितना बढ़ना बाकी है। इस स्टॉक का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ये नवंबर के आसपास लिस्ट हुआ है, लिस्ट होने के बाद से स्टॉक ने अब तक 500% रिटर्न दे दिया, लगभग 5 गुना पैसा कर चुका है। अब आप सोचो कितना पोटेंशियल है। एंड आप भी अगर इस टाइम से रॉकेट बनता है, इस प्राइस से भी तेजी आती है ना, तो कम से कम मान के चलो ये छोटी मोटी तेजी दिखाने वाला स्टॉक नहीं है, ये कम से कम 60-70% की तेजी तक जाने वाला शेयर है। क्योंकि इनमें हम पहले भी देख चुके हैं, जब मोमेंटम बनता है तो बहुत तगड़ा मोमेंटम बनता है। पिछले 6 मंथ में अगर आप उठा के देखोगे तो स्टॉक ने एक लंबा कंसोलिडेशन दिखा चुका है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद आप सोच सकते हो कि अगर बाउंस आएगा तो क्या वो बाउंस 10-20 फीस दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। एंड चीज देखिए कि आपने कि पहले भी 203 के आसपास आया, अब वहां पे लोगों को ट्रैप करके नीचे गया, और 190 के नीचे गया था ये। अब वहां पे लोगों को लगा कि भाई फिर से नीचे चला जाएगा, बट नहीं, आपको मैंने बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी, ये रीटेस्टमेंट है, ये वापस से रिवर्सल करेगा। एंड आज आप देख लो अगेन हमें 205 रुपए, आज तो जो इंट्राडे आए थे 209 के, करंट टाइम स्टॉक का एमओ अभी के टाइम और 35 लाख शेयर बाइंग ऑर्डर में नजर आ रहे, जो कि कल के लिए बहुत पॉजिटिव डाटा है। कल भी मार्केट खुलते ही अराउंड 2% प्लस की तेजी में हमें ये ओपन होता हुआ नजर आएगा। अगर अच्छी बाइंग आई, अच्छी वॉल्यूम आई, तो कल आराम से हमें स्टॉक दोस्तों 220 रुपए का लेवल भी ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मोमेंटम बनना था वो मोमेंटम अब बन चुका है। एंड डाटा अगर बताऊं मैं तो आज मार्केट में वोलेटिलिटी रही, इसके बावजूद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी नजर आई। एंड इरेडा के अंदर जैसा कि आप देखोगे कुछ मिनटों में यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिली। अगर इसके पीछे अपडेट भी एक बार क्लियर कर ले कि जो अपडेट है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब अचानक से स्टॉक में 6% की तेजी आई। इसके पीछे अगर वजह देखा जाए, लेकिन इरेडा पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक लिस्ट हुआ था, इन प्रस्ताव में 32 रुपए का स्टॉक का भाव था। इन उस भाव के बाद अगर आप देखोगे तो बड़ा रिटर्न दे चुका है। करंट टाइम पे जो रैली आई है इसका अपन डाटा पटे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। शुरू में स्टॉक में देखिए अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड के शुरू में पब्लिक डील के बाद, ठीक है ना, इरेडा के शुरू में स्टॉक में हुई डील के बाद ब्रोकर ऑपरेटिंग मिनटों में दिन के निचले स्तर से 6% यहाँ पे हुआ। ब्लॉक डील में इरेडा में 50 लाख शेयरों का आदान प्रदान हुआ है, हाथों में बदले गए शेयरों की संख्या
0.1.6% है, ठीक है ना। ब्लॉक डील का कुल लेन देन यहाँ पे 100 करोड़ रुपए बताया जाता है। लेन देन के खरीदार और विक्रेता अभी आधिकारिक रूप से निर्धारित नहीं हुए हैं। सोमवार को सीएनबीसी की बातचीत में ये चीज हमें जो रेट है इस पर दीप कुमार दास ने कहा था कि कंपनी ने सरकार के अनुरोध किया है कि वह फॉलो ऑन मतलब जो जो ऑफर्स है ऑफर्स करने की अनुमति दे ताकि कंपनी यहाँ पे पैसा जुटा सके। एंड यहाँ पे देखो आज मेन पॉइंट की हुआ क्या कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें होल्ड डाउन ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील कितने शेयरों की 50 लाख शेयरों की आदान प्रदान, जबकि टोटल वॉल्यूम कितनी है 6 करोड़ की। अब यहाँ पे समझ क्या रहा है कि 50 लाख शेयर जब एक साथ बाई किए जाते हैं तो स्टॉक में मोमेंटम बन जाता है, रिटेल भी इसके साथ बाई करने लग जाता है। तो टोटल पहली चीज की यहाँ पे आपके जो आईसीआई सिक्योरिटीज है उसके डायरेक्टर ने भरोसा दिया एंड उसी के साथ 50 लाख की ब्लॉक डील भी हुई। एंड ये ब्लॉक डील का अगर प्राइस देखें तो 100 करोड़ रुपए है। एंड ये जो अगर टोटल कंपनी का बताऊं मैं 0.1716% है, तो बड़ी ब्लॉक डील के चलते ये डील हुई है। अभी के टाइम एमओ 35 लाख शेयरों की बाइंग ऑर्डर है, तो उसको देखते हुए कल का मोमेंटम बनने वाला डिफेंड तो टाइम गलती नहीं करना है। कैनेडा की डील मैंने बता दी जो मेरा अपडेट था एंड गलती भी टाइम नहीं करना क्योंकि भाई स्टॉक अब अपने मोमेंटम में बनने वाला है। सबसे पॉजिटिव फैक्टर तो ये है कि जो ये ब्लॉक डील हुई है ना ये ऊपर ले प्राइस पे हुई, तब जाके देखो कभी ब्लॉक डील होती है नीचे प्राइस पे हुई तो स्टॉक गिरता है, ऊपर वाले प्राइस पे हुई तो क्या होता है खरीदार आती है स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो वही चीज हमें नजर आई है ऊपर वाले प्राइस पे हुई है। डेफिनेटली जिसने अगर यहाँ पे इतने शेयर बाय किए हैं तो वो भी प्रॉफिट के लिए किया है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए आया है, तो वो भी पैसा डबल करके लेके जाएगा। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना, इरेडा में उल्टा इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। चैनल पे नए हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको